हमारी सरकार ने आईटी विभाग में कॉमन सर्विस सेंटर के मूवमेंट को बहुत तेज किया है कि हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के 1800 ग्राम पंचायत में टेली लॉ का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा कि हम एक पैरा लीगल वॉलंटियर को कॉमन सर्विस सेंटर में पोस्ट करेंगे और उस गांव में कोई गरीब है, उसको कोई कानूनी सहयोग की जरूरत है, परिवार में, संपत्ति में, दहेज को लेकर या बाकी परेशानियां हैं, तो उनको प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस मिले, तो वहां इनके पास वकील रहते हैं, तो निश्चित समय पर वो वकील उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से कानूनी सहायता देंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप सीएससी टेली लॉ सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे, वर्क करेंगे और उसके बाद में आपको कमीशन क्या मिलेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पर। डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद में आपको यहां पर सर्च करना है टेली। टेली सर्च करने के बाद में आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद एक नया विंडो ओपन होगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर टेलीला नाम से एक सर्विस है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एजुकेशन टेलीला, इसको आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा। टेलीला.in के नाम से एक वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा अपनी सीएससी टेलीला सर्विसेज के लिए। तो आपको जो है यहाँ पर सीधे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद में अगर आपने सीएससी आईडी लॉगिन कर रखा है तो डायरेक्टली इस तरह से पॉपअप ओपन होगा। यहाँ आपको यस कर देना है, नहीं किया है तो आपको सीएससी आईडी लॉगिन करना होगा। यस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको वीएलई की डिटेल ऐड करनी होगी, जो आप वीएलई आपकी वीएलई की डिटेल यहाँ पर ऐड करनी होगी। इसका आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं आपको ए टू जेड सारी चीजें जो है लाइव करके बताता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, उसके बाद आपको ओके क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपका जो है टेलीला का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको काम क्या करना है, काम यह करना है आपको दोस्तों यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना है। बेनिफिशियरी को ऐड आप कैसे करेंगे, आप गूगल प्ले के डाउनलोड करके एप्लीकेशन, वहां से भी आप एप्लीकेशन उनको ऐड कर सकते हैं या फिर आपको सीधे वेबसाइट पर भी आप ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मैनुअल दिखा देता हूँ कि आप कैसे ऐड करेंगे। चलिए दोस्तों, ये है मैनुअल। इस मैनुअल में हम देखते हैं किस तरह से आप ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा। बुक अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। बुक अपॉइंटमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यही विंडो जो है यहाँ पर, और ये विंडो मैं आपको मैनुअल में दिखा रहा हूँ। यहाँ ऐड बेनिफिशियरी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और इस तरह से ये फॉर्म फिलअप करना है। चलिए आगे की प्रोसेस मैनुअल में बताता हूँ। इस तरह से आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। फॉर्म फिलअप में नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, सेक्शन 12 कैटेगरी। सेक्शन 12 कैटेगरी के अंदर वह व्यक्ति आएंगे जो व्यक्ति वुमेन, चिल्ड्रन, एसटी एससी, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, यानी कि ऐसे व्यक्ति, इन व्यक्तियों को जो है आप किसी प्रकार का फीस 30 रुपए का चार्ज देना नहीं होगा, जो कि चार्ज लिया जाता है सीएससी के द्वारा, वो चार्ज इनको देना नहीं होगा। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल पर यहाँ पर टिक करके इनको चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी प्रूफ और सारी चीजें जो आपको यहाँ पर भर देना है। चूज इमेज आईडी, इमेज आईडी के अंदर आपको यहाँ पर क्या क्या है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट करके यहाँ पर इमेज को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर एक नया विंडो ओपन होगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ आपको जो है बेनिफिशियरी, मोबाइल नंबर, अपॉइंटमेंट टाइप, न्यू केस डिस्क्रिप्शन, यानी कि किस केस के बारे में वो जानना चाहता है, किस केस के बारे में वो बात करना चाहता है वकील से, वो सारी चीजें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके पास जो केस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर अपलोड करना है। डेट और लॉयर, लॉयर का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लॉयर का यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आप जो है उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है क्लिक ऑन द सजेस्ट डेट, सजेस्ट डेट के बारे में यहाँ पर अपनी सजेशन डेट, यानी कि किस तरह, किस दिन आप बात करना चाहेंगे, यहाँ पर आप 3 दिन का स्लॉट चेक कर सकते हो। तीनों आप डेट यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में आपको सजेस्ट डेट टाइम पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। वीएलई रिमार्क डाल सकता है कि शी वांट डेट फ्रॉम गवर्नमेंट, आप जो भी वीएलई जो है यहाँ पर रिमार्क डालना चाहते हो। उसके बाद में सबमिट करने के बाद में आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको सक्सेस और केस नंबर आपका आ जाएगा, केस नंबर आएगा, लॉयर नेम आएगा,
केस बेनिफिशियरी नेम आएगा और सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी, डेट एंड टाइम सारी चीजें। उसके बाद में आपको जो है फिर से आपको जो है कहाँ जाना है, कॉल रूम के ऑप्शन पर जाना है, और कॉल रूम के ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर होगा कॉल रूम का ऑप्शन। अभी फिलहाल में यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो कॉल रूम का ऑप्शन आएगा। कॉल रूम के ऑप्शन आने के बाद में आपको यहाँ पर एक कॉल करना होगा, कॉल करने आफ्टर क्लिक द फिनिश कॉल टैब, यानी कि कॉल करने के बाद, करने के बाद में बेनिफिशियरी के बात करने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी का फीडबैक लेना होगा। फीडबैक यहाँ से लेके आप जो है सबमिट कर दीजिएगा, और सबमिट करने के बाद आपके बेनिफिशियरी जो है इस तरह से आपके CSE पोर्टल के माध्यम से आराम से वकीलों से सलाह ले सकता है, एक ग्रामीण जन एक ग्रामीण व्यक्ति को सलाह मिल सकती है। अब बात करते हैं कमीशन की। कमीशन स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ मैं तो CSE ने अभी तक फिलहाल में कोई कमीशन स्ट्रक्चर जारी किया नहीं है, पर फिलहाल में उनका जो नोटिस आया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि अगर आप 10 यूजर को रजिस्टर्ड करते हो तो 1500 रुपीज़ जो है आपको पे किया जाता है। यहाँ ये सारी चीज़ें जो है आई थी बताने के वास्ते, तो मैंने आपको बता दिया कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में कि 1500 रुपीज़ का पर मंथ जो है उनका 10 केस रजिस्टर करने पे आता है, और बाकी इसका कोई लीगल नोटिस नहीं है कि आपको कमीशन कितना दिया जाएगा। जैसे ही लीगल नोटिस आएगा मैं तुरंत आपको जो है वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।